तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी समय गाल छोड़ कर भाग जा। इसे यही मार डालो। अच्छा रानी आप आ गई। इस दुष्ट ने आपके आगनक्षक की हत्या कर दी। देवा, ये क्या? रानी, तुम्हारी बात पर विश्वास करो रानी। हमने इसे आपकी जान बचाने के खातिर मारा है रानी, आपकी जान बचाने के खातिर। झूठ 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 बोलता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जो सजा चाहिए आप लोग को, जो सजा चाहिए हमें दे देना, पर एक बार हमारी बात तो सुन लो। चुप कर पाखंडी, मारो इसको, मारो। इसको बोलने का मौका दो। रानी ये फिरंगियों का गुप्तचर है रानी। हमने खुद अपनी आंखों से इसे फिरंगियों के साथ देखा है और फिरंगियों ने इसे सोने की मोहरें भी दी है रानी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो इसकी तलाशी ले लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा रानी। चलो भैया तलाशी लो लो लो। अब तो आपको हम पर विश्वास हुआ रानी। सब तो ठीक है, लेकिन तुम रानी के खिलाफ जो हम सबको भड़काए रहे उसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। क्षमा कर दो रानी, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। हमारे प्राण आपके हाथों में रानी। रुक जाओ। हम अपनों के बीच खून खराबा नहीं चाहते रानी। रानी हमें नादान समझ कर माफ कर दो, नादान समझ कर। रानी इसे क्षमा कर दो, अन्यथा ये लोग इसे मार डालेंगे। रानी हम शुरू में आपके खिलाफ थे, लेकिन हमने फिरंगी गुप्तचर को मारकर ये साबित कर दिया है कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपका भला चाहने वाले हैं रानी। हम भी कभी डाकू हुआ करते थे। अगर किसी ने हमें क्षमा ना किया होता, सही रास्ता ना दिखाया होता, तो आज इस सत्य और न्याय के रास्ते पर हम आपके साथ नहीं। हर इंसान को एक अवसर मिलना चाहिए। रानी मार डालेंगे, हमें बचा लो। रानी मार डालेंगे, हमें बचा लो, हमें क्षमा कर दो। ये लोग हमारे हमने तुम्हें क्षमा किया करना। जाओ। क्यों भाइयों, कैसा रहा हमारा खेल है? इसे कहते हैं चतुरता। अब बताओ हमसे बड़ा हितैषी रानी का कोई है? कोई नहीं। लेकिन करवा भैया, ये सब आपने किया कैसे? उसको मारने के बाद हमने सोने की गिन्नियां और फिरंगी पिस्तौल उसके कपड़ों में चिपका दी। अब तो एक चुटकी में पता चल जाएगा कि रानी और गंगाधर का संबंध क्या है। खजाना लूटने का सारा आरोप महाराज पर लगा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उन फिरंगियों के दृष्टिकोण से लूटा तो डाकुओं ने। वो तो ठीक है, परंतु हम महाराज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो इस लूट को सहन नहीं कर पाएंगे। ये उनके मान सम्मान की बात है। युद्ध हो जाएगा भाव, और इन सबको इसकी भारी मूल्य चुकानी पड़ेगी। ये सारी औरतें जो इन लोगों के लिए गा गा के प्रार्थना कर रही हैं, विधवा हो जाएंगी, और ये बच्चे अनाथ। हम इनके विश्वास को पूर्ण होता देखना चाहते हैं कि इनके पति दीर्घायु हो। दुख के बादल तो हमारे पति पर छाए हैं। आपके पति? नहीं, वो नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आज तक आपने अपने पति के बारे में कुछ बताया नहीं हमें। हर वर्ष आप ये वट सावित्री की पूजा भी करती हैं और... क्यों नहीं करेंगे? हम अपने पति से अलग हुए हैं, परंतु है तो हम तो आज भी इसी आशा में जी रहे हैं कि एक दिन हम दोनों मिलेंगे। जिस आशा से ये औरतें पूजा कर रही हैं, इनकी पूजा का फल इन्हें अवश्य मिलेगा। हम चाहते हैं इन गांवों पर से फिरंगियों का अधिकार समाप्त हो जाए। वो तो हम सब भी चाहते हैं। हम महाराज से शांति वार्ता करेंगे और उन्हें पत्र लिखेंगे। शांति वार्ता ये क्या होता है? बातचीत करके विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर कब तक हम यूं घुट-घुट कर और डर-डर के जीते रहेंगे कि कहीं ये फिरंगी हम पर हमला ना कर दे? इससे अच्छा तो ये है कि हम महाराज की छत्र छाया में निर्भय होकर अपना जीवन निर्वाह करें। वाह, धन्य, क्या बात कही। हाँ, अवश्य। ठीक है, तो हम आज ही उन्हें पत्र लिखेंगे। आज हम महाराज गंगाधर राव को संदेश भिजवा रहे हैं। हमें विश्वास है कि वो हमारी बात से सहमत होंगे और मान भी जाएंगे। और इसी प्रकार आप सबके दुख भरे दिन भी दूर हो जाएंगे। रानी, जोन करोगी ठीक करोगी गांव के हित के लिए, ऐसा विश्वास है हम गाँव वासियों को तुम पर। रानी की जय हो, रानी की जय हो, रानी की जय हो, तिरंगा की जय हो, रानी की जय हो। ये काम केवल रानी का नहीं है, हम सबका है। अपना काम पूरा करके आना। जब लौटोगे तभी व्रत तोड़ूंगी। चिंता मत करो बहन, गणेश जल्दी ही लौट के आएगा। मान जाएगा महाराज। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।